गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार दोस्तों, राजन आजाद स्वागत करता हूं आज के इस नए व्लॉग में। तो आज इस वक्त मैं हूं चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लुधियाना से सफ़र की शुरुआत की थी आज चंडीगढ़ तक की। एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है मेरा, लाइक माता पिता को, अपनी फैमिली को मैं ट्रैवल करवाना चाहता था बाय एयर, तो वो भी काफ़ी एक्साइटेड है आज। और जो ट्रैवल जो यहां से हमारा रहने वाला है चंडीगढ़ से, वो हम जा रहे हैं मुंबई के लिए। महाराष्ट्र काफ़ी खूबसूरत है, मानसून में तो काफ़ी हरा भरा होता है और सब जानते हैं। तो महाराष्ट्र हम जा रहे हैं, मुंबई हमारी लैंडिंग होगी आज। 12:30 है हमारा यहाँ से फ़्लाइट का टाइम है, और जो टाइम हो रहा है 11:30 के करीब अभी टाइम हो रहा है। 7:30 बजे हमारी जर्नी शुरू हुई थी लुधियाना से। हमने AC चेयर कार से जो जर्नी की थी लुधियाना से, तो माता पिता जी उन्होंने फर्स्ट टाइम AC से ट्रैवल किया। ट्रेन में हमें यूजली सफ़र करने का मौका नहीं मिलता, बिकॉज हम हिमाचल को बिलोंग करते हैं, तो माता पिता बस से ही वहाँ पे जाते हैं। तो आज उन्होंने जो सफ़र का आनंद दिया वो AC चेयर कार में, तो वो भी काफ़ी खुश थे। इनफैक्ट मैं देखा था जो पिताजी हैं, उनके आंखों में आंसू भी आ रहे थे। पता नहीं क्या सोच रहा होता है बंदा कि शायद मैं अपने माता पिता के ड्रीम पूरे नहीं कर सका, या मैं आज जा रहा हूँ मेरा ड्रीम फुलफिल होने वाला है। ये मेरे पिताजी हैं, और ये मेरा भांजा दिव्यांश शर्मा। दिव्यांश, राम राम करो, राम राम करो। ये हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये तो आपको कैसा लग रहा है जी? बहुत बढ़िया लग रहा है, जीवन का सपना पूरा हुआ। आज वो सुनहरी पल जो मेरे मन के अंदर भीतर समाये रहते थे, आज वो खुशी और मांग से बाहर आ गई। अच्छा, मैं धन्यवाद करूँगा परमात्मा का, अपने माता पिता जिनकी आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचूँ। और ये भांजा आप देख सकते हैं जी, दीवू, डर लग रहा है जी आपको? नहीं, कोई डर नहीं लगा, दिल में खुशी है। हाँ जी, हाँ, बहुत उमंग, उदास। उदास क्यों है जी? मन आपका खुशियों के पल तानी समाये रहता है, और बाद में एकदम बाहर आती है, तो थोड़ा सा मन में उमंग भी आती है, उदासी भी आती है, खुशी भी आती है। तो ये जी पिताजी मेरे लाइक गेस्ट वन ऑफ द स्टूडेंट, ये हैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में, ये सर्विस कर रहे हैं। मैं अपने परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये मेरा भांजा, ये साथ में है जी। तो और ये मेरी माता जी हैं जी। मम्मी कितना लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या सरवण बेटा लेकर आया, मेरा सरवण बेटा। अच्छा, डर लग रहा है? अभी कोई डर नहीं लग रहा, कोई डर लग रहा। अच्छा, चल रहे कितने हमें? अभी बढ़िया लग रहा है, बंबई। और अगे याद भूल लिया, याद भूल लिया। माता जी का बारे बता दूं, माता जी सुबह आज 3:30 बजे उठे थे, तो रात को 12 बजे सोए हैं। तो खाना खुना इन्होंने सुबह बनाया जी सारा, तो सब कुछ इन्होंने किया जी। लगभग 10-12 दिन से ये लगे हुए हैं जी पैकिंग करने में। हमने कुछ नहीं किया, ना मेरी बहन ने या मैंने, सब सामान पैक प्रेस करने, कपड़े देखने हैं, जो सामान लेके जाना है, तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी थी। तो ये भी काफ़ी खुश हैं जी। ये बहन, और ये मेरी बहन है जी। ये भी काफ़ी खुश है, इसका सेकेंड टाइम ट्रैवल है जी। ये पहले गोवा जा चुके हैं, तो इसका सेकेंड टाइम, मम्मा का फर्स्ट टाइम है, पापा का फर्स्ट टाइम, और दीबू का भी फर्स्ट टाइम है। बहुत बहुत खुश है, धन्यवाद राजन का। देखते हैं, महाराष्ट्र में लंबी छुट्टी लेके चले हैं, और कोशिश है मेरी ज़्यादा से ज़्यादा इनको मैं यहाँ पे ट्रैवल करवा सकूँ। मैं अपने परिवार, अपनी बहनों बहनों सारे परिवार को शुभकामनाओं से आज मैं इस स्टेज पर पहुँच कर बहुत बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, और धन्यवाद करूँगा सभी का, अपने पारिवारिक मेम्बरों का, जिन्होंने अपनी शुभकामनाओं से मुझे इस सुनहरे मौके का प्रदान किया। तो ये जो पल होते हैं, ये सबसे खूबसूरत पल होते हैं, इसी के लिए पर्सन सर्वाइव करता है। मैं कहीं दूर नौकरी करने नहीं गया, जॉब करने नहीं गया, बिकॉज एक बड़ा कारण था कि माता पिता के साथ रहना है। तो खर्चे का मैं खुद नहीं टेंशन लेता, जब घूमने जाता हूँ तो इनके लिए भी कोई टेंशन नहीं मेरी। सेक्रीफाइसेस जो रहते हैं पेरेंट्स के, फैमिली के, आपके लिए जो कामयाब होने में बहुत बड़े होते हैं, कोई भी शायद वो ना कर पाए जो पेरेंट्स आपके लिए कर सकते हैं। जीजा जी हमें ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, बिकॉज बैंकिंग में है और प्राइवेट बैंक में जॉब करते हैं एज ए डिप्टी मैनेजर की। तो होपफुली वो हमारा जो नेक्स्ट ट्रिप बनेगा तो हमें ज्वाइन करेंगे। ये बस में बैठ गए हम,
पूरी खुश है माता मेरी, बहन भी पूरी खुश है। बाय करो। तो खाली हम ही हैं जो लास्ट पैसेंजर है, हम बोर्ड कर रहे हैं। तो ये एरोप्लेन आप देख सकते हो यहाँ पे खड़ा हुआ है जी। कोई गल नहीं, कोई गल सुबह 2.5 घंटे में सफ़र करके लुधियाना से चंडीगढ़ पहुँचे और चंडीगढ़ से यहाँ बाय एयर 2 घंटे में यहाँ पहुँच गए हम। छत्रपति शिवाजी महाराज ये टर्मिनल जो मुंबई का है तो वहाँ पे हमने लैंड किया है। अभी तो पता नहीं चलेगा, बाहर जाके देखते हैं कैसा मौसम रहता है। टाइम जो अभी हुआ है जी 2:45 के करीब हुआ है जी, और देखते हैं बाहर जाते हैं कुछ प्लान करते हैं कैसा करना है। इंडिया का दूसरा सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है ये, न्यू दिल्ली पहले नंबर पर है। तो बैगेज हमारे यहाँ पर आ गए, आप कलेक्ट कर लिए और अब चल रहे हैं जी बाहर की ओर। गेट पर हमारा पिकअप पॉइंट है, तो यहाँ पे हमारी आर्टिका गाड़ी हमारी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो लगेज हमारा ज़्यादा था तो मेरे को आर्टिका ये बुक करनी पड़ी है। और दोस्तों एयरपोर्ट तो टाइम से लैंड कर गया। अगर आप चलाते हो ऊबर तो आप इजीली आप बुकिंग करके जहाँ भी आपने जाना है तो ठीक है, प्राइसिंग वगैरह इनकी अच्छी है। जो अदर टैक्सी लोकल टैक्सी वाले उनका जो वहाँ पे है काउंटर बना हुआ तो वो वहाँ पे महंगा था, उनका 1500 रुपये वो डिमांड कर रहा था। अभी 775 रुपये का बुकिंग हुआ है ये। अभी जा रहे हैं जी हम सिद्धि विनायक, वहाँ से माथा टेक के जो महाराष्ट्र के ट्रिप की शुरुआत करेंगे। 2012 में यहाँ पे लास्ट टाइम मैं आया था, उसके बाद 2017 में गोवा गया था, तो मैं यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए मुंबई में स्टे किया था। आज कैसे जाता है? तो इतनी फ्लाइट है यहाँ से टेक ऑफ करती है कि इसको भी देख देख इसको बदल गया जहाज श्यू ऐसे जाता है। जहाज कैसे जाता है? ट्रैफिक सच में यहाँ पे काफ़ी है, लगभग 10 किलोमीटर का जैसे जर्नी है हमारा एयरपोर्ट से सिद्धिविनायक टेंपल तक का। तो ब्रेक्स लगा लगा के चलना पड़ रहा है। और ये आप देख सकते हैं ये मेट्रो का भी यहाँ पे काम वगैरह चल रहा है, अंडर प्रिपरेशन है। वैसे कुछ हिस्सों में मेट्रो अभी वर्किंग है, मतलब 10 किलोमीटर के खाली लगा के चलो 1 घंटा तो पकड़ के चलिए आप। और ये आप आगे देख सकते हैं काली पीली टैक्सी काफ़ी फेमस है फिल्म वगैरह में, हम देखते हैं ये सेंट्रो गाड़ी जा रही है आगे भी, और ये हमें क्रॉस कर रही है यहाँ से। पहुँच चुके हैं हम सिद्धिविनायक मंदिर और बाहर ही हमने प्रसाद की शॉप पे वहाँ पे लगा दिया है जी सामान, और लगे जो है वहीं पे रख दिया। देखते हैं पैसा कितना लेता है हमसे, वो इतना ज़्यादा रश नहीं है। अभी टाइम जो हुआ है 5 बजे यहाँ पे टाइम हुआ जी। ये आप यहाँ पर ड्यूरेशन देखे 100 रुपये का, तो बच्चे कहना में 100 रुपये का पर्ची लेके 10 किलो हम आगे जाएंगे। दर्शन अच्छे हो गए, शुरुआत अच्छी हुई है ट्रिप की, जो शुरुआत है सिद्धिविनायक से हुई है। अभी बात की है होटल वाले से, देखते हैं क्या प्राइस रहता है, कैसा रूम रहता है, क्या क्या वो प्रोवाइड करते हैं हमें रूम में। और टाइम का बता दूं, अभी टाइम जो हो रखा है जी अभी 6 बज चुके हैं शाम के, और ये लाइट में अब रुके हुए हैं अभी। तो जो टैक्सी मैंने बुक की थी जो उबेर एयरपोर्ट से सिद्धिविनायक तक की, तो वो शो कर रहा था 775 का, बट अगर जैसे उसको रुकना पड़ता है टैक्सी को तो वो भी भाड़ा आई गेस इसमें ऐड कर देते, तो वो मेरे को 803 में मैंने उसको पे किया था। और ये सर दिव्यांश जी खेलते हैं, नींद पूरी कर ली थी आपने वीडियो देखा होगा, तो कैसे ये महाराज जी मेरी गोद में सोए हुए थे, अभी खा रहे हैं कुछ। तेरी ऐसी की तेजी
और ये वाला राइड जो मैंने बुक किया है वो 512 में किया है। एक्सेल आर्टिगा मैंने बताया आपको कि बड़ी कार तो बुक करनी पड़ी, लगेज हमारा काफ़ी ज़्यादा है। अदरवाइज अगर आप जो मिनी जो छोटी गाड़ी रहती है तो उसको बुक करेगा वो 250-300 हाफ में आपका हो जाता है जी। और मौसम भी अभी जैसे जैसे शाम ढल रही है अच्छा हो रहा है फिलहाल, तो अभी तो बस होटल का रूम दिखाई दे रहा है कब पहुँचे वहाँ पर और फ्रेश अप होके और थोड़ा सा रेस्ट करके देन निकलें बाहर घूमें थोड़ा। तो दोस्तों 7 बज गए हैं, फाइनली होटल ले लिया है, गार्डन होटल का नाम है, रूम काफी अच्छा है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा रूम है हमारा। 202 है और ये देखिए आपको पहले मैं दिखाता हूँ जी वॉशरूम यहाँ का है। स्पेशियस है काफी। ये दिव्यांश शर्मा जी रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट फरमा रहे हैं, माता पिता ही बैठे हुए। कैसी रही आपकी हवाई यात्रा पहली? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। थकावट? कोई नहीं। कोई नहीं है? राजन बेटा जिंदाबाद। सुबह जल्दी उठ गए थे बस थोड़ी उनके लिए तो रेस्ट हो जाएगी, बट ये चलो प्राइम लोकेशन में लिया है। और रूम हमने जो लिया है मैं आपको बताता हूँ प्राइस भी। ये इसमें बोटल्स 4 दे रखी है उन्होंने जी, ये केटल दे रखी है जी ये चाय कॉफ़ी बनाने के लिए, एसी इसमें बीच में है, टीवी इसमें एलईडी एलसीडी स्क्रीन दे रखी है जी। ये आप नाश्ता वगैरह कुछ भी आप ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ से इजीली। तो बैठने का ये जैसे ये बेड है जी डबल, तो ये जो सोफ़ा है ये भी डबल बेड बन जाएगा वो बता रहे हैं, तो भी डबल बेड बना लेंगे इसको। तो ये अलमीरा वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ भी आपने रखना है तो आप इजीली यहाँ पे सामान जैसे रख लेते हैं यहाँ पे। और मिनी फ्रिज भी यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, तो सब कुछ बेटर है यहाँ पे। 8500 इसका प्राइस है बट जेन्युइन है प्राइस, ठीक है। कलाबा मार्केट जो एक प्राइम लोकेशन है इसके पास में पड़ते, चाहे म्यूज़ियम है छत्रपति शिवाजी म्यूज़ियम है, गेटवे ऑफ इंडिया है, ताज होटल है, सब इसके बगल में है पास में है जी। तो रूम भी काफ़ी बड़ा है। कब चलना है घूमने, कब चलना है जी? थोड़ी रेस्ट। खाना खुना मराठी खाना है कि पंजाबी? पंजाबी खाना। तो मैंने रेस्टोरेंट का पता कर लिया था, रेस्टोरेंट बता रहे थे उसको मैं बताऊंगा आपके, वहाँ काफ़ी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है खाएंगे वहाँ पे। और आज का दिन कैसे रहा आपका सारा? बहुत बढ़िया। थकावट इनके बीच में ये देखिए जी दिव्या शर्मा जी आराम से वहाँ भी रेस्ट की इसने, एरोप्लेन में भी टैक्सी बुक की थी चंडीगढ़ एयरपोर्ट तक हमने, तो उधर भी आराम से रेस्ट फरमा रहा, तो इसकी रेस्ट पूरी अच्छे से हो रही है। खाना खाने के लिए निकलते हैं, कोलाबा मार्केट काफ़ी फेमस मार्केट है, देखते हैं यहाँ का जो रंग ढंग शाम के, आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए। अभी हम आपको देखे चल रहे हैं जी, खाना खाने जा रहे हैं। तो टैक्सी जो हमें छोड़ के गई थी वो भाई बता रहे थे यहाँ पे होटल कैलाश पर्वत है, तो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है वो, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे अभी जा रहे हैं। तो ये आप स्ट्रीट चेक कर सकते हो, आपको दिखा रहा हूँ मैं, खाली स्ट्रीट है ये, कोई शोर शराबा यहाँ पर है नहीं। अभी 9:15 के बजे टाइम हो रहा है जी, तो सभी होटल्स वगैरह यहाँ पर हैं, ये कंप्लीट ये होटल्स की लाइन है जी लास्ट तक। तो ये कोलाबा कैलाश पर्वत वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, इसका बताया था काफ़ी फेमस फूड है, तो इसको हम ट्राई करने लगे हैं। तो ये 285 में पंजाबी थाली है, तो इसमें पुलाव दाल, ये पनीर बटर मसाला और चना मसाला और रायता, ये स्पून ये आइसक्रीम का स्कूप बाद में देते हैं लास्ट में। तो ये पिताजी खा रहे हैं, मैं भी करता हूँ शुरू जी। खाने के बाद ये गेटवे ऑफ इंडिया रात को देखने आए हैं वॉक करते हुए, तो होटल से जस्ट बगल में ही है, मैंने आपको जैसे बताया था। तो ये डबल डेकर मुंबई दर्शन के लिए ये बस चलता है जी, ऊपर आप देख सकते हो यात्री बैठे हुए हैं। तो इसका 150 का टिकट रहता है जी, सुबह से 9:30-10 से चल जाता है। और ये होटल ताज काफ़ी बड़ा खूबसूरत होटल है, पिताजी बोल रहे थे कि डबल डेकर बस चलती है, देखनी है।
50 में आपको टिकट मिल जाता है और वर्थ ही है जी। मौसम ठंडा है, 11 बजे का टाइम हो रहा है, तो एक्सपीरियंस लेते हैं इसका। तो ये इस तरह चीज़ है, मरीन ड्राइव है, बट रात कुछ दिखाई नहीं दे रहा।